हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंशुमन कुमार लाइव जुड़ गए हैं, सीधे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन जब आएगी तो उसका भरोसा लोग कैसे कर पाएंगे। उसके लिए तो डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले वैक्सीन लगवा लूंगा, लेकिन अभी का एक बड़ा सवाल यह है कि पोस्ट कोविड जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उनका निदान कैसे होगा। लोगों को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। आपने देखा बीजेपी अध्यक्ष गृहमंत्री अमित शाह को तीसरी बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा है। जी, दोनों अलग मुद्दे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम या पोस्ट कोविड बोलते हैं जिसके कारण आप कह रहे हैं बार बार एडमिट होना पड़ रहा है। इसमें किसी को संक्रमण हो, रिकवरी के बाद जो तकलीफें आती हैं जिसमें आमतौर पे शरीर में दर्द का होना, कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें कुछ सोचने में दिक्कत या इस तरह की जो समस्या है, जिसको पोस्ट कोविड सिकली कहते हैं, संक्रमण के बाद होने वाले लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ को। वैक्सीन में यही एक अच्छी बात होती है कि जो तकलीफ होनी होती है इन्फेक्शन के कारण उसको खत्म किया जाता है। और इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ बन जाए, ये किया जाता है। इसी कारण वैक्सीन को आने में डिले होता है कि एडवर्स रिएक्शन ना हो और फायदा, प्रतिरोधक क्षमता की फायदा मिल जाए। इसी के लिए वैक्सीन को कई फेजेज के ट्रायल से निकाला जाता है ताकि इस तरह की समस्या ना बने। जी, इसके साथ साथ डॉक्टर अंशुमन, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगले साल की पहली माही में, मतलब अगर मार्च में भी आती है वैक्सीन, तो हमारे पास तो अभी पूरे लगभग 6 महीने से ऊपर का वक्त है। दिल्ली में दूसरी वेव आनी शुरू हो गई है, हम दूसरे नंबर पर दुनिया भर में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वैक्सीन का इंतजार करें या फिर अब ढल जाएं इसी में? देखिए, वैक्सीन का इंतजार करना उचित सलाह नहीं है। कारण यह है कि वैक्सीन आने के बाद एक्सपेक्टेड है, प्रिजम्पशन है कि वैक्सीन उसमें आ जाए। काफी तेजी से तैयारी हो रही, कई कंपनी तैयारी कर रही है, लेकिन एडवर्स रिएक्शन एक। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, किस किस कंट्री को जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी लाती है तो कितना प्रोडक्शन लेवल है उसका, कितना भी बढ़ा लें। और थर्ड थिंग होती है अफोर्डेबिलिटी, कि क्या पूरे पॉपुलेशन को हम एक साथ लगा पाएंगे तभी वैक्सीन का फायदा हो। तो इसलिए अभी जो है 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, बढ़ सकता है, ये भी संभावना है। तो ढलने के लिए जो एहतियात है, जो एडवाइजरी है, उसको मानते हुए और इसमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे कंट्री में, पूरे भारत में वायरस फैल चुका है। अब ये नहीं कह सकते कि इससे बच के वैक्सीन का इंतजार करके तब तक घर में बंद रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, मेरा सवाल यह है कि चूंकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो कह रहे हैं कि अगले साल तक हमें वैक्सीनेशन मिल जाएगी, लेकिन एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो वैक्सीनेशन तैयार हो रही थी उसमें एक पेशेंट पर एडवर्स इफेक्ट देखा गया तो ट्रायल रोक दिया गया, दोबारा भले ही शुरू कर दिया गया। तो ये मान सकते हैं कि जब ट्रायल शुरू कर दिया गया एक पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट होने के बावजूद, तो यानी वैक्सीनेशन जल्दी भी आ सकती है? मतलब इक्का दुक्का पेशेंट में अगर एडवर्स इफेक्ट है भी, तो अगर वो ज्यादातर को अच्छा फायदा पहुंचा रही है तो वैक्सीनेशन के करीब ही मानेंगे हम खुद को? जी, जिसकी बात आप कह रहे हैं एडवर्स इफेक्ट देखा गया, होता क्या है कि वैक्सीन का ट्रायल जो वॉलंटियर्स में किया जाता है तो स्वस्थ होते हैं बिल्कुल, उसमें कभी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए उसको ऐसा माना जाता है कि कहीं वैक्सीन के कारण तो नहीं हो रहा है। इनमें भी एक ऐसी समस्या आई थी जो वॉलंटियर में, जिसकी आप बात कह रहे हैं, लेकिन जब बाद में देखा गया तो ये पाया गया कि हो सकता है वैक्सीन कारण, हो सकता है न भी हो, और बाद में देखा गया बहुत छोटी तकलीफ हुई थी, इसलिए वैक्सीन के ट्रायल को फिर से ऑन कर दिया गया। तो अभी तक यही माना जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के ट्रायल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई है, ट्रायल ऑन कर दिया गया है, फेज 3 ट्रायल से जब निकल जाएंगे तो हो सकता है हम वैक्सीन जल्दी भी लेके आ जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आपका इस जानकारी के लिए। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन का इंतजार करना ठीक नहीं, अब आपको ढल जाना चाहिए इसी माहौल में। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी।